subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. कबीला जिसका अर्थ है एक कुटुंब एक खानदान। मनुष्य जाति के इतिहास के शुरू के दौर में इंसान कबीलों की शक्ल में आबाद हुआ। उस जमाने में किसी एक जगह शिकार नहीं मिलता था, फल फूल नहीं मिलते थे, अनाज पैदा नहीं होता था, इसलिए इंसान घुमक्कड़ जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान भी बदला। उसने अपने लिए गांव बनाए, शहर बसाए, मुल्क आबाद किए और सबके लिए एक जैसी सामाजिक मर्यादा और एक जैसे कानून का निर्माण किया ताकि आदमी जाति फायदे के मुकाबले सामाजिक फायदे को अहमियत देना सीखे। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे कुटुंब हैं जो घुमक्कड़ जिंदगी गुजारते हैं और जिप्सी कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सभ्यता के नए उजाले में जीने से इनकार कर दिया और अपने पुराने रीत रिवाजों से चिपके रहे। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहा, किसी भी तरीके से जिंदा रहना। कहाँ जा रहा है बे? मैं आपके पांव पड़ता हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसकी जान बख्श दीजिए। अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो बताओ दहेज कहाँ है? दहेज बताओ। इस गाड़ी में चला बे। इनके हथियार लो। बात समझ में नहीं आती, हमारे खिलाफ पुलिस में खबर किसने दी? खबरी जरूरी हमारे कबीले का कोई आदमी है। लेकिन वो है कौन? तुम क्यों परेशान होते हो? जो कोई भी होगा मंगल उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। और वो जो भी हो उसका ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है, वरना पुलिस हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली, समझे? कम वक्त धोखा दे गए। मगर साहब संतन ने खबर तो ठीक दी थी। मेरा मतलब संतन से नहीं, संतन हमारा बहुत अच्छा खबरी, मुझे यकीन है अगली बार वैसी खबर लाएगा जिसकी मदद से
हम उन लुटेरों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर सकेंगे। कबीले वालों, आज हमारे एक साथी ने हमारी पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश की है। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उसने हमारे खिलाफ पुलिस में इत्तला की है, जिसकी वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या कबीले के खिलाफ इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? संतन, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो लोग खुद जुर्म और गुनाह करते हैं, उन्हें किसी दूसरे को गुनाहगार ठहराने का कोई हक नहीं। क्या तुमने कबीले के साथ गद्दारी नहीं की? जवाब दो, खामोश क्यों हो गए? सरदार, इसकी खामोशी इसके जुर्म का इतराफ है। कबीले के कानून के मुताबिक इसकी सजा है मौत। मुझे अफसोस है, मुझे मेरा अपना बाप है, लेकिन कबीले से मेरा रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा महान और अटूट है। मैं कबीले से वफादारी के नाम पर सरदार से अपने गद्दार बाप के लिए मौत की सजा चाहता हूं। बंधन, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। कबीले के कानून के मुताबिक मैं उस कानून को नहीं मानता जो एक बेगुनाह को सजा तो देता है मगर उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं देता। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो कबीले के सदियों पुराने कानून के मुताबिक तुम्हें अपने ही खून से लड़ना होगा। मैं लड़ूंगा। मुकाबला शुरू हो। तुम तो जानती हो कि दुर्जन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कबीले की सरदारी। मगर उसके लिए अपने ही बाप से लड़ने की क्या जरूरत थी? दुर्जन का कहना है कि उसके सरदार बनने के रास्ते में तीन रोड़े हैं, सरदार बब्बर, मंगल और खुद उसका अपना बाप जो वैसे ही मरने वाला था, मगर कबीले वालों के सामने अपनी वफादारी जताने के लिए दुर्जन ने मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया।
मगर सरदार और मंगल? दुर्जन जरूरत से ज्यादा चालाक है, उनको भी हटाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। साहब, सरदार ने खबर भेजी है कि कल हम लोग दूसरे गांव जा रहे हैं। शैतान सिंह, हाँ जी, पहले तो सरदार हमेशा संतन को भेजा करते थे। हाँ सर। वो कुछ दिन से नजर नहीं आया, कहाँ है वो? संतन साहब, वो कुछ दिन पहले एक रात उसको बुखार आया और दूसरे दिन सवेर तक के बेचारा वो मर गया। साहब, हमने तो उसका क्रियाकर्म भी कर दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। सलाम साहब। इंस्पेक्टर अजय। यस सर। दाल में कुछ काला लगता है। संतन हमारा खबरी था, जरूर इन लोगों ने उसे मार दिया है। हो सकता है सर। तुम एक काम करो। कहिए। तुम इस कबीले के हर आदमी को अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां भी ये लोग जाएं, तुम इनका साय की तरह पीछा करो और इनकी हर नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखो। यस सर। मैं हर पुलिस स्टेशन पर खबर दे देता हूं, तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी मिलेगी। ओके सर। आज शराब नहीं पियोगे? मुझे शराब की नहीं, मंगल के खून की जरूरत है। फिर तो प्यासे ही रह जाओगे। क्या भक्ति है छोकरी, दुर्जन जिस बात को ठान लेता है पूरा करके रहता है। मैं उसका बदला जरूर लूंगा और वो बदला होगा मेरी सरदारी और मंगल की मौत। आज क्या चोरी की तूने?
गन्ने खाएगा? अरे सुन तो, खा लेना। ये क्या शोर मचा रखा है? इस छोकरे ने मेरे गन्ने चुराए। अच्छा, तेरे पास क्या सबूत है कि इसने तेरे गन्ने चुराए? हाँ हाँ, तुम तो इसके साथ दोगे, चोर का भाई गिरगट। ए भाई होगा तेरी माँ का या तेरे बाप का, मेरा तो ये। ए, क्या देखता है बे? रास्ता नाप। पहले मेरे गन्ने के पैसे दो। कितने पैसे चाहिए रे? पैसों की क्या बात है, चार ही तो गन्ने हैं, पैसों की क्या बात है, दिल चाहे तो और ले जाओ, मैं तो कहता हूँ सारा खेती तुम्हारा है। तो फिर फूट यहाँ से। चल भाई। डर गए ना कड़वे करेले से। अरे एक कड़वे करेले, ये मुझे चुरा क्यों दिखा रहा है? अरे अरे पिछली, मैंने तुझे कितनी बार कहा कैसा काम सोच समझ के किया कर, वो चोर ही किया जो चोरी करके पकड़ा जाए। लेकिन करेले गन्ने तो मैंने तेरे लिए चुराए थे। सोचा हमेशा अपनी जबान से कड़वा कड़वा बोलता है, शायद ये गन्ना खाकर मीठा बोले। खा गन्ना। तू कभी नहीं सुधरेगी, जा अपना काम कर। जा। न जाने करेला कब समझेगा मुझे। खड़ी है जिसे नोचा आपका सर पर घुमाती थी और जहांगीर के दिल पर राज करती थी, अब राजाओं का जमाना नहीं रहा, इसलिए रास्ते का माल सस्ते में ले जा। आठाने 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 आठाने। अरे भाग्यमान, तुम्हें अपने घरवाली के लिए लेते जाओ। घरवाली होती तो ले जाता। अरे घरवाली भी आ जाएगी। ये ले, ये वो कंघा है जिससे फरहाद ने अपने बाल संवारे थे और शीरी उसे देखकर बेहोश हो गई थी। ले जा बहुत सस्ता है। सस्ता हो या मंगा, मेरे किस काम का ये कंघा? ओहो, यहाँ तो सारा मैदान ही साफ है। पर घबराओ नहीं, इसका उपाय भी मेरे पास है। देखो ये तेल जो हकीम जालीनूस ने अपने गंजे बाप कालीनूस के लिए कोहे काफ की जड़ी बूटियों से बनाया था, इसको रोज रात अपने सर के ऊपर लगाना और अगर 3 महीने के अंदर तुम्हारे सर पर खेती न लहलाने लगे तो इसे फेंक देना। फेंक देना? अरे बाबा इसे नहीं, तेल को मेरे सर पर फेंक देना। भाग्यवान लो ना दोनों चीजें 2 रुपए में, जल्दी दो भाग्यवान। ले जाइए ले जाइए, बहुत चमत्कारी मूली है। क्या चमत्कार है इसमें? अगर बीबी जी खाने से पहले रोज एक मूली आप खाएंगी तो 3 महीने में आपका वजन इतना घट जाएगा कि आपके पति देव भी आपको पहचान नहीं सकेंगे। क्या बकती हो, मेरी तो अभी सगाई भी नहीं हुई। फिर तो आपको ये मूली खानी ही चाहिए, वजन भी घटेगा और रंग रूप भी खिलेगा। रंग रूप भी खिलेगा? सगाई क्या, आपकी शादी भी हो जाएगी। अच्छा दे दो। क्या बात है लाला? कुछ नहीं बाला। तो फिर ये टुकुर टुकुर क्या देखता है? ईश्वर की लीला। पहले कभी नहीं देखी क्या? पहली बार देख रहा। ये रेशम जैसे बाल, ये फूलों जैसे गाल, ये लहरों जैसी चाल। लाला हाँ। तेरे बच्चे कितने हैं? बच्चे? कैसे बच्चे, किसके बच्चे? मैं तो खुद बच्चा हूँ। कौन है? छोटी छोटी हाँ। मोती ज्योति। ये सब कौन है लाला? ये मेरे भाइयों के बच्चे हैं जी, मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। इसलिए तुझे चाचा की जगह बाबा बुलाते हैं। पैसे 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 तुम्हारे बाप ने कमा के रखे, ये लो जाओ भागो, कहाँ जा चलो। हाँ तो बाला बोल लाला। लाला डाल अभी नहीं, गली बाद में आना। हाँ तो बाला मैं कह रहा था, तेरे सर की कसम मैंने तू जैसी सजीली छबीली और सीली अभी नहीं देखी। लाला हाँ। तू भी तो कम नहीं। सच? आजा आजा। आटा मिली सूरज, ये हल्दी लगी मूरत, ये रंग ये रूप, थोड़ी छाव थोड़ी धूप। जी चाहता है तुझे अकेले में मिलूं। सच? कब कहाँ किस वक्त, जल्दी बोल। पूनम की रात को। कौन सी रात को? पूनम। क्यों क्या हुआ? पूनम की रात को गांव के बाहर ठीक 12 बजे जंगल में मैं तेरा इंतजार करूंगी। आएगा ना? आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। आ गया। अबे कंबख्त तू क्यों आ गया? माँ ने भेजा। माँ ने भेजा? तेरी माँ को और कोई काम नहीं? चले चल भाग। ये सोतू है। ये भी भाई का था? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी ताई का था। अच्छा अच्छा। बाबा ये लो लाला, और एक आ गया।
इन पांचों को आज ही आना था। आपसे मामा कहती हुई शर्माती है। लाला, ये तेरी बहन का बच्चा है क्या? हाँ हाँ, छोटी बहन का जी। जा, ले, मत, तब हो जा। माँ, 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 क्या तुम बाबा की बहन हो? क्या बोलता है? बाबा कहते हैं। आप ही देख ले। क्यों जी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मैं थारी बहन लगा हुआ? मैंने ऐसा कहा? अरे भगवान, तू तो मेरी माँ है। शर्म नहीं आती है दूसरी औरत के सामने ऐसी बात करते हुए? मुझे क्या मालूम? मेरा नाम है बिजली। रात के ठीक 12 बजे चमकने वाले क्यों लाला? हाँ, चमको, मेरे को क्या करने का? नहीं क्या माशुक कौन है? ये माशुका नहीं, मुरारी की लड़की शोभा है। शोभा? शोभा? काली मिट्टी को क्या देखा, बस फिसल गया। तुम कितने दयालु हो लाला, और हम गरीबों का कितना ख्याल रखते हो। हाँ, ये बात तो है। मगर मेरे आगे पीछे भी कौन है? जो कुछ है तुम लोगों का ही है। तुम हो जो मुझे पराया समझते हो। अरे हाँ, मगर शोभा कहाँ है? बाजार गई है। अब उसका बाजार आना जाना बंद कर दो मुरारी, जमाना खराब है और लड़की जवान हो गई है। मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख कर शोभा के हाथ जल्दी पीले कर दो। मैं तो रात दिन इसी चिंता में घुला रहता हूँ, मगर कोई अच्छा लड़का मिले भी तो। हाँ, ये बात तो है। आजकल तो अच्छे लड़कों का अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी आंखें खोल के इधर देखो उधर देखो। कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मैं तो कहता हूँ उम्र थोड़ी ज्यादा भी हो तो क्या हुआ, आसामी मालदार हो। मुझे तो तुमसे ज्यादा शोभा का ख्याल है। मैं तो चाहता हूं कि वो कल ही दुल्हन बने और तुम्हारे सर का बोझ टले। क्यों शोभा, कैसी हो? अच्छी हूं। अरे शोभा बेटी, ये क्या? चाचा जी, ये तो शुक्रवार दीदी के जान बच गए। क्यों बेटी, क्या हुआ? मैं सब बताती हूँ। चाचा जी, हम दोनों चौक से गुजर रहे थे, इतने में एक सांड भागता हुआ आया ऐसे। अच्छा चाचा, फिर क्या हुआ? फिर उसकी तो जान ही निकल गई। मगर शाबाश,
अपने कड़वे करेले ने आगे बढ़कर वो धक्का मारा कि काली मिट्टी इधर और साल उधर। और बोल कड़वा करेला, शाबाश बच्चे। मगर अपने कड़वे करेले ने उस सांड को इस तरह रगड़ना शुरू किया कि उस सांड का दम ही भूल गया और वो सांड धूम दबाकर भाग गया। वाह बेटा वाह, बात हुई ना, आज तूने सारे कबीले का नाम ऊंचा कर दिया। अरे माँ, आखिर बेटा भी तो तेरा हूँ। अरे माँ की औलाद, बेटा बाप का होता है बाप का। पापा चंपा के लिए याद है बबर, जवानी में तूने भी एक बबर शेर मारा था और बस यही देख के मैं तुझ पे फिदा हो गई थी। अरे फिदा नहीं होती तो ये शेर कहाँ से पैदा होता। अरे माँ, ये बहादुर कैसे ना होता, आखिर बुड्ढा किसका है? मेरा ही तो है। क्यों बुड्ढे? हाँ, साला बुड्ढा तेरा बाप। एक सांड को भगाकर अपने आप को जवान समझता है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो कोई मर्दों वाली बात कर। मर्दों वाली सरदार ठीक कहता है, जानवर पर काबू पा लेना कौन मुश्किल काम है। ये दुर्जन नहीं, दुर्जन की जलन बोलती है। बिजलिया, तू क्यों दुर्जन के पीछे पड़ी है? आज तो जोर आजमाई का दिन है। हो जाए संतूर, ओ शराब ला, आज हम अपने लुच्छे की मर्दानगी देखेंगे। अबे करेले, जरा संभल के पीना, नहीं तो बुड्ढे से हार जाएगा। हाँ अबे जा, तू गन्ना खा। गन्ना गन्ना खाती हूँ इसलिए तो गंदेरी की तरह मीठी मीठी हूँ ना। अबे देखता क्या है, शराब है शराब, कोई सांड नहीं जिस पर तू काबू पा ले। खामोश, अगर मर्द है तो मैदान में आ, जिसको पहले चढ़ गई वो हार गया। मुझे चुनौती मत दे बुड्ढे। अबे कल के लौंडे, दम है तो चढ़ इस पे और चढ़ा दारू। दारू पी गिरिया। सलाम से मुकाबला करेगा। उठ 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 करा। बबर शेर, जरा संभल कर, तेरी हड्डियां है ना बूढ़ी हो गई, कहीं बिखर नहीं जाए। बाबर बेटा ठीक कहता है। संतोष शराब लाओ। देखता क्या है चीची तू, बता क्यों? बाबर क्या है? मेरे खंजर कहाँ है? अभी लाया उस्ताद। शाबाश मेरे मट्टी के शेर। ये क्या कर रहे हो? तू नहीं समझेगी सांवली, मेरे रास्ते में दो ही दीवारें, एक आज खुद ही गिर जाएगी और दूसरी गिराना मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं जानती। सांवली,
अरे ओ सावली, क्या है बे? अब भी वक्त है, तुम उससे शादी कर ले। चुप बे। मंगल तुझको चढ़ गई है। तुझे चढ़ गई है। अब तुझे चढ़ गई नहीं तो प्याला कैसे गिरता? गलत फेंका इसलिए तुझे चढ़ गई है। कौन उल्लू का पट्टा कहता है? मैं कहता हूँ। तो तू उल्लू का पट्टा? तू गले का बच्चा है। ये लो, हो जाए पैसा। वो कैसे? एक पंथ दो काज। जो लड़खड़ा जाए वो मर्द नहीं, और जिसका निशाना चूक जाए वो होश में नहीं। नहीं, ये कैसा पागलपन है? तुम दोनों ने बात भी रखी है, अगर कहीं हाथ उल्टा सीधा कर गए तो। ठीक है ठीक है, औरतों के नहीं मर्दों की बात है, मर्दों की। बेटा ठीक कहता मां, घबराने की कोई बात नहीं सरदार मां, ये दोनों पक्के निशानेबाज हैं, फिर ये तो खेल है। भगवान ना करे इस खेल में मेरे सुहाग आ जा सकती है, तुझे चढ़ जाएगी बिटवा, और तुझे चढ़ जाएगी। बाप से बिटवा सवा गुना है, बात यहां अट जाएगी। क्या कहा? तू कहता है मुझको चढ़ी है। तू कहता है तुझको है, तुझको इसी बात का कर ले फैसला, कितनी चढ़ी है किसको। इसी बात का कर ले फैसला, कितनी चढ़ी है किसको। तू कहता है तुझको चढ़ी है, बिल्कुल मैं कहता हूँ तुझको, अरे तुझको बात का कर ले फैसला, कितनी चढ़ी है किसको। इसी बात का कर ले फैसला, कितनी चढ़ी है किसको। तू कहता है मुझको चढ़ी है।
बातें छोड़ो, डरने की बातें छोड़ो, आज तो इस पे मैं नाचूंगा, हाँ हाँ नाचूंगा। बापू थोड़े इधर उधर हो जाओगे अगर, चिगनी का नाच मैं नचाऊंगा, हाँ नचाऊंगा। मैं कहता हूँ मुझको चढ़ी है, मैं कहता हूँ मुझको, हाँ मुझको, अरे आज हो गया फैसला इसका, सबको चढ़ी है सबको, अरे सबको चढ़ी है सबको, अरे सबको चढ़ी है सबको। अजीब इत्तेफाक है, मैं भी आप ही के बारे में सोच रहा था। कल के भाग दौड़ो घबराहट में मैं आपको शुक्रिया अदा करना भूल ही गई थी। शुक्रिया किस बात का, आपके लिए सांड तो क्या हम शेर से भी लड़ जाते। आप जितने बहादुर हैं उतने ही शरीफ भी। आपने हमें इतना जल्दी पहचान लिया क्या? कल आपने जो एहसान किया। एहसान छोड़िए ना, पहले ये बताइए आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं तो, आपको? लगी है। कहाँ? जान के क्या करेंगी आप? मैं आपको वेद जी के पास ले जाऊंगी, वो आपकी मलहम पट्टी कर देंगे। हमारी चोट वेद जी के मरहम से ठीक नहीं होगी। क्यों? चोट कुछ अलग किस्म की है। मैं कुछ समझी नहीं। कोशिश कीजिए, जरूर समझ जाएंगे। नेका शैतान सिंह, उस्ताद ने कैसा उस्तादी हाथ बताया, हींग लगे ना फिट करी रंग भी चौका। अबे उस्ताद के बच्चे जा अपना काम कर। ठीक है मैं चला। शैतान सिंह, मंगल ने तो सचमुच कमाल कर दिया, चल गांव में चलते हैं, शायद कुछ चिड़िया अपने भी हाथ लग जाए। अरे बेवकूफ, मंगल ने कोई चिड़िया नहीं फंसाई, अपनी मौत को दावत दी है। और हमें ये खबर फौरन जाकर अपने उस्ताद तक पहुँचानी चाहिए। उससे क्या होगा? बस तू चुपचाप देखता जा, अपना उस्ताद इस लड़की के जरिए मंगल का सर्वनाश किस तरह करता है। कहाँ चली गई? ओहो कहाँ फंस गया? बिजली, ओ बिजली! मैं इधर हूँ लाला। कहाँ हो मेरी बाला? इधर। इधर किधर? तेरे आगे पेड़ के नीचे, आ जा। आ गया, आ गया, आ गया मैं लाला। ओ इधर। अरे बिजली मेरी रानी, मेरी महारानी, बहुत तड़पाया मुझे। चल झूठा कहीं का। क्या 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 क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ए, मैं? हाँ।
दिल तो तूने चुराया है मेरा, होश तो तूने उड़ाया है मेरा, सपने में आता है नहीं चुराता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्यों मुझे इतना सताता है, बोल ना रे, क्यों सताता है, बोल ना, बोल ना रे। अरे कौन शोर मचा रहा है जंगल में? बिजली, ये सुनसान जगह पे रात के वक्त ये हड्डी में कबाब कौन आ गया? कबाब में हड्डी लाला? हाँ वही वही, तुम घबराना नहीं, मेरे पास डंडा है। कौन है माहिबा? अरे लाला तुम, इस रात के अंधेरे में इस सुनसान जगह में क्या कर रहे हो? कौन मैं वो बोला मैं, लाला। बोला। कौन है तुम? मैं तो इनकी मेरी कुछ नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ। लाला, ओए लाला जी, कौन है ये छप्पन चुरी? चुरी कौन सी चुरी? ये चुरी पता नहीं कहाँ से गिरी, क्यों गिरी, कब गिरी, क्यों ले छुरी? कोई बात नहीं लाला, तुम कुछ नहीं जानते तो तुम्हारी लाला इन सब कुछ जान जाएगी। नहीं नहीं भैया, भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे कुछ मत कहना। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकालो और अपना मुंह काला करो। भैया रात का वक्त मुंह तो सबका काला है। बिजली हाँ, दे दो लाला, दे दू। चलो निकालो, बहुत मुश्किल की कमाई है, कहाँ रखती? लो भैया सब ले लो। ये भी, ये भी नकली है भैया। लाला ये भी, ये भी ये लो भैया, बस ये भी लो भैया, अंगूठी निकालो। हाँ भैया सब ले लो, लेकिन देखो मेरे घर वाले पूछने का है ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लो मैं जाऊँ। हाँ हाँ जाओ, जय राम जी की। मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कहाँ जा रहा है लाला? अपना तो आज पीट गया है दिवाला, तेरे बारे में कल सोचेंगे बाला। लाला शुक्रिया डंडा मेरा है भाई। माल निकालो। ये लो हे। खाना अकेले के नहीं खा रही? यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे खाने की खुशबू खींच लिया, लागे तो अंदर आ गए। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? मेरे बापू आने वाले हैं। बापू कहाँ से आएंगे? उनको तुम्हें खेतों में जाते हुए देखा। अरे आओ देखिए क्या भाई। खाना तो बहुत बढ़िया बना दिया। ये क्या गजब कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? तो क्या हुआ, घर आए हुए मेहमान को खाना नहीं खिलाओगे क्या? नहीं। क्यों? देखो अभी तुम जाओ, फिर एक दिन बुला के खिलाओगे। हाँ जानी, एक दिन तो तुम मेरे घर खाना बनाकर खिलाओगे। अब मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना तो तेरा मुंह भी नहीं देखती, लेकिन क्या करूं, इस दिल ने मजबूर कर दिया। सच? मैं तेरे कुर्बान, मुझे माफ कर दे मेरी जान, लेकिन ये है दुकान, मैं तेरे लिए ढूंढूंगा एक मकान, जगह हो सुनसान, फिर दोनों प्यार से रहेंगे। नहीं वो तो ठीक है लाला। लाला हा? इस वक्त मुझे 50 रुपए की सख्त जरूरत है। 50 रुपए? बिजली वो खबरा मत लाला। हा? मैं तेरे से उधार नहीं मांग रही हूँ, मेरे पास 2 मोती हैं, मोती दिख लाला। अरे बिजली रानी, ये मोती तो 5-5 रुपए का भी नहीं है। क्या कहता है लाला? हा? इस दाने को अच्छी तरह से देख परख फिर काम लगाना। सच बिजली रानी, ये एक एक मोती तो 25-25 रुपए का है। तो फिर निकाल 50 रुपए। 50 था? कहाँ गए? बस बस लाला, अब जल्दी जल्दी मकान ढूंढ। अरे तुम हो, ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारी चीख से डर गया। नीचे आ जाओ। एक शर्त पर, तुम फिर कभी चीख नहीं मारोगी। नहीं मारूंगी, आ जाओ।
अच्छा तो ये बताओ, ये दिन में अकेले अकेले बैठे क्या कोई सपने देख रही थी? दिन क्या रात क्या, ये सपना तो मैं बचपन से देख रही हूँ। ए, हमें नहीं दिखाओगी? वो देखो सपना, वो तो किसी का मकान है। मकान नहीं, घर कहो। मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरा भी किसी दिन ऐसे एक छोटा सा घर होगा। तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा? क्यों? हमारी जिंदगी और है शोभा, कभी इधर कभी उधर। अगर हम एक जगह घर बसाने लगे तो हमें खानाबदोश कौन कहेगा? मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी, तुम्हें जीने का एक नया रास्ता दिखाऊंगी, तुम एक नया इंसान बनाओगी। वो तो बात की बात है। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे ये क्या? तोहफा। तोहफा? एक खानाबदोश का दिल जीतने के लिए तुम्हें एक खानाबदोश लड़की का पोशाक पहनना होगा। पहनना होगा? बिल्कुल नहीं। शोभा, तुम मेरा तोहफा कबूल नहीं करोगी? ना बाबा। ये बात है। ए मंगल, मंगल, मंगल। अरे कोई माने या ना माने, मेरे दिल की महबूबा ने मेरा तोहफा किया कबूल। खुदा की कसम आज पैसे वसूल, खुदा की कसम आज पैसे वसूल। कोई माने या ना माने, मेरे दिल की महबूबा ने मेरा तोहफा किया कबूल। खुदा की कसम आज पैसे वसूल, खुदा की कसम आज पैसे वसूल, पैसे वसूल। दे ये ले। खुदा की कसम आज पैसे वसूल, खुदा की कसम आज पैसे वसूल, पैसे वसूल। लो आ गई। खुदा की कसम आज पैसे वसूल, खुदा की कसम आज पैसे वसूल, पैसे वसूल।
बब्बर। मंगल ठीक कहता था। मंगल क्या कहता था? कह दू? कह दे। बुड्ढा बुड्ढा तेरा बाप। सरदार। दिलदार सेठ आओ आओ आओ। तू कहां जा रही? बैठ गया। बैठो 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 बैठो। क्या हाल है? बुरा हाल है दिलदार सेठ। आजकल मामला बड़ा ठंडा है। तीस मार खा और मामला ठंडा। ये लो गरम कर लो। क्या बात है दिलदार सेठ, आज तो बड़ा दिल दिखा रहे हो। जरूर दाल में कुछ काला है। तुम्हारा हमारा तो पुराना साथ है सरदार। तुम ठंडे तो हम ठंडे, तुम गरम तो हम गरम। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो क्या बात। तुम बड़े खुश नसीब हो सरदार। वो कैसे हो दिलदार? बात दरअसल ये है, यहाँ एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। रहता होगा, हमें क्या। पूरी बात तो सुनो। बोलो। उस सेठ के घर में एक बहुत अनमोल मूर्ति है, वो भी सोने की बनी, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई, और वो मूर्ति 5 साल में एक बार बाहर निकाली जाती है, और तुम्हारी खुश नसीबी से ये 5वां साल है। यानी इस साल वो मूर्ति बाहर निकाली जाएगी। क्यों? हाँ क्यों नहीं, हमें उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं समझ गया दिलदार सेठ, यानी तुम्हारी नजर उस मूर्ति पे है। हाँ, तुम्हें मुंह मांगने ना मिलेगा सरदार। हाँ, और तुम्हें मूर्ति मिल जाएगी सरकार। बहुत खूब सरदार। हाँ? छोटी सी चोरी है जो हमसे नहीं होगी। हम तो जिस पे दिल आ जाए वो चीज ही उड़ाते हैं। तेरी मेरी हो गई Oh,
फेरा डाल दो। एक एक आदमी पर नजर रखना, कोई भी यहां से बाहर जाने ना पाए। नमस्ते दरोगा साहब। नमस्ते। सेठ के घर से जो मूर्ति की चोरी हुई है उसकी तलाशी लेने आया हूं। दरोगा साहब आपको गलतफहमी हुई है, हम लोग ठहरे खाना बदोश, हम लोग चोर थोड़े ही हैं, फिर भी आप तलाशी लेना चाहें तो ले सकते हैं। हर खेमे की तलाशी ली जाए। वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। सब माल का कमाल है सेठ, माल। ये मजूरी है या भीख? तुम लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो। तुम हमारा क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं, जरा इस मूर्ति को गौर से देखो और फिर इस मुट्ठी भर कागज को। कबीले की जिंदगी को टाप पर लगाकर इस मूर्ति को हमने हासिल किया है। क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? कबीले की जिंदगी मैं हूं, तुम लोग मेरे ही बताए हुए रास्तों पर चलते हो। मैं हूं तो कबीला है और हम हैं तो तुम्हारे खजाने भरे हुए हैं सेठ। नाम दिलदार है तो जरा दिल भी तो दिखाओ। दिल देखना है तो कोई जीती जागती मूरत लाओ, कोई ऐसी सांवली सलोनी जिसकी आंखों की चमक इस वीरान जंगल के अंधेरे को दूर कर दे, जिसकी मुस्कुराहट हमारे सोए हुए दिल को फिर से जगा दे। बस सेठ, तस्वीर बन चुकी है। जिस चंचल की मूरत तुम्हारे दिमाग में है, मां कसम उसे तुम्हारी बाहों में डाल दूंगा। क्या बात है तीस मार खां, जो बात हमारे दिल में थी वो तुम्हारी जबान पर आ गई। हाँ सेठ, एक तीर दो शिकार। अबे ओ कछुए की औलाद, नाम रखा है कड़ियल सिंह और काम करता है मरियल सिंह जैसा, जरा तेजी से चला हाथ। मेरा हाथ कोई बिजली की जबान तो नहीं है जो दम लिए बगैर ही चलूं। अरे गधे, मर्दों के हाथ चलते हैं, जबान नहीं, समझा? समझ गया। तो फिर दिखा कोई मर्दों वाली बात। मर्दों वाली ये बात है मैं लो सल्तान की। अबे गधे, इतनी तेजी से नहीं, धीरे से, समझा? मैं करता हूँ, धीरे चलूं तो कछुआ और तेजी से चलूं तो गधा, कोई एक जानवर बोलिए। रकम तो काफी भारी है। मूर्ति भी तो कोई कम भारी नहीं थी सरदार। एक बात है दुर्जन, लेन देन के मामले में अपना दिलदार सेठ काफी दिलदार है। इसमें क्या शक है सरदार, लेकिन अगर वो एक बेजान मूर्ति की इतनी कीमत दे सकता है तो एक जानदार मूर्ति की क्या कीमत देगा? क्या मतलब? मतलब ये कि अब दिलदार सेठ को एक जानदार मूर्ति की जरूरत है। तो फिर देर किस बात की है? सरदार ये काम कुछ टेढ़ा भी है और मुश्किल भी है, तो वो मुझे इस काम के लिए मंगल की जरूरत पड़ेगी। अरे मंगल की क्या, तुम्हें जिसकी मदद चाहिए तुम ले सकते हो, ये तो कबीले का काम है, कोई इनकार थोड़ी करेगा। ठीक है सरदार, तो आप मंगल से कह दीजिए। इसी वक्त मंगल घबराओ। Thank you.
मार। हाँ क्या बात है, आज जवानों को खाली हाथ लौटना पड़ा? खाली हाथ भिखारी लौटते हैं सेठ, बहादुर नहीं। ये लो सेठ, जगा लो अपने सोए हुए दिल को। तीस मार। पहले दाम। कन्या देखे बिना हम दाम नहीं देते और दाम लिए बिना हम कन्या नहीं देते। बहस से क्या फायदा सेठ, ये लो देख लो अपनी कन्या। मुझे यकीन हो गया कि आसमान से तारे भी तोड़े जा सकते हैं। ले लो तुम्हारी बहादुरी का इनाम। लो। अरे मेहनत का रुपया लेने में झिझक किस बात की प्यारे? बेशरम, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तो तेरे इरादे मजबूत रहे, अब इन कागज के टुकड़ों को लेते हुए तेरे हाथ क्यों रुक गए? उठा ले अपनी मेहनत की कमाई को और जाकर अपनी माँ के चरणों में रख देना। उससे कहना कि मैं जवान जिस्मों का व्यापार करके तेरे दूध का हक अदा कर रहा हूँ। जबान को लगाम दे छोरी, वरना ऐसे कुत्तों के आगे डाल दूंगा जो तेरी हड्डियां तक चढ़ जाए। मेरी लाश ही जा सकती है तेरे इन पालतू कुत्तों के पास कमीने, लेकिन मरने से पहले मैं इन दरिंदों का असली रूप देखना चाहती हूँ, जो औरत की इज्जत बेचकर रात को चैन से सो सकते हैं। वो बात ही क्या जो आसानी से बन जाए, हाँ? हमें इन चीजों से क्या वास्ता सेठ, हम तो इज्जत बेचते हैं, कभी औरों की कभी अपनी। खैर कमीने, तू अपनी इज्जत का मोल तो लेता जा। भगवान करे कोई ऐसी भी घड़ी आए जब कोई तेरे प्यार को अपने कंधे पे उठाकर किसी जानवर के हाथ बेचाए और तू घूट घूट कर अपनी मोहब्बत का जनाजा देखते रहे। जीप देख रहे हो, लगता है किसी ने पुलिस को खबर कर दी। बेहतर यही होगा कि हम यहीं से अलग अलग हो जाएं। नहीं दूंगी जान, तो मेरी जा रही है। मैं कहता हूं छोड़ दे इस लड़की को। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, हिम्मत है तो छुड़ा ले। चूहे, हिम्मत है तब तो यहां पहुंचा हूं। बेवकूफ, शेर के अखबार में निहत्ता आया है। कीदड़ कब से शेर बन गया? अभी पता चल जाता है कीदड़ कौन है और शेर कौन। इससे तो भाजी तरकारी काटी जाती है। तीस मार खान, इससे लड़ोगे? बुजदिल, इससे तो बहादुर लड़ते हैं। कमीने, तेरे लिए तो जूता काफी है।
चोरी बताने का वक्त नहीं, वो तुम्हें घर पहुंचा देंगे, जाओ। कांस्टेबल्स, मकान को घेर लो। वो लोग कहां हैं जो तुम्हें उठा कर ले आए थे? वो डाकू मुझे यहां बेच कर चले गए, और वो बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता था। रोते नहीं, धीरे से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जीप में बैठो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मकान की तलाशी लो और कड़ी से कड़ी निगरानी रखो, कोई भी आने और जाना ना पाए। सर, तंबाकू आ गया? सरदार मैं लाने गई हूँ। वो सनी लाने गई, उगाने गई है? अभी आती ही होगी। सरदार। ओ दिलदार सेठ, तुम कहो क्या बात है? दिलदार खोटे धंधे जरूर करता है, लेकिन नियत हमेशा खड़ी रखता है। ये नहीं कि पैसे भी हजम और माल भी गायब। माल तुम तक पहुंचा दिया गया था दिलदार सेठ, तो फिर पुलिस वहां कैसे पहुंची? ये हम नहीं जानते, हमारी जिम्मेदारी तुम तक माल पहुंचाने की थी। एक तरफ तो माल पहुंचा दिया और दूसरी तरफ पुलिस को खबर कर दी। दिलदार सेठ, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, झूठा इल्जाम नहीं। इल्जाम कैसा? ये काम तुम्हारे किसी आदमी का है? खबरदार, अगर तुमने मेरे किसी भी आदमी पर उंगली उठाई तो मैं तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा। शोलों से खेलने वाले आग से नहीं डरते सरदार, मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। रुपए वापस नहीं होंगे। फिर सोच लो सरदार। इसमें सोचने की क्या बात है? तुमने जिस काम के लिए रुपए दिए थे वो काम हमने कर दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ऐसा ना हो सरदार के मुझे बरसों के संबंध तोड़कर पुलिस में जाना पड़े। पुलिस में जाने से पहले ये मत भूलना दिलदार कि चोरी का माल देने वाला और चोरी का माल लेने वाला दोनों बराबर के मुजरिम होते हैं। लेकिन तुम भी याद रखो सरदार, मेरा माल तुम्हें आसानी से हजम नहीं होगा। समझे? अच्छा। सरदार, दिलदार सेठ की बात में कुछ तो सच्चाई होगी। सच्चाई है? हाँ सरदार, लड़की को दिलदार सेठ तक पहुंचाने वाले चार आदमी थे और डेरे पर वापस आए सिर्फ तीन। हो सकता है उस चौथे आदमी ने पुलिस को खबर दी हो। वो चौथा आदमी कौन था? मैं पूछता हूं, वो चौथा आदमी कौन था? वो चौथा आदमी कौन था? आपका बेटा मंगल। दर्जन! शायद आप नहीं जानते, मंगल उस लड़की से प्यार करता है। ये काम उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। दर्जन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस कबीले के सरदार बनने के सपने देख रहे हो, इसीलिए तुम मंगल से जलते हो। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हारी ये जलन तुम्हें इतना गिरा देगी कि तुम मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाने से भी पास नहीं आओगे। ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है सरदार। अंतर! हुकम सरदार हजूर। संगर बुलाओ। दर्जन, तुमने जो कुछ भी कहा है अगर इसमें रत्ती भर भी झूठ हुआ तो आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अंतमिच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूं जो तुम्हारे पिताजी चाहते थे। क्या चाहते थे वो? यही चाहते थे कि तुम्हारा हाथ हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथ में थमा दे। क्या? ये उनकी अंतिम इच्छा थी। इस शादी से तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? आप मेरे बाप के बराबर हैं। छी 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 छी, कौन कहता है मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ? अरे धूप में बाल सफेद हो गए तो आदमी क्या बूढ़ा हो जाता है? वैसे आदमी की उम्र देखता है कौन?
जल्दी से हाँ कह दो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारी इस दौलत पर। मैं कहती हूँ इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी और मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने नीच और कमीने हो। चिल्लाना तो अब मुझे पड़ेगा। निकल जाओ यहाँ से। अब देखता हूँ मुझसे टकरा कर तुम गाँव में कैसी रहती हो। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है। क्या बात है लाला? अरे बात क्या है, मुझे कहते हुए शर्म आती है। राम राम जब राम तक राम। बात बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा। हाँ ये बात तो है। अरे ये लड़की अपने गांव का कलंक है, कलंक। ऐसी उल्टा अगर गांव में रहेगी तो गांव का सर्वनाश हो जाएगा। आखिर लाला हुआ क्या है? अरे होना क्या था, मैं उसे तसल्ली देने के लिए अंदर गया तो मेरे ही गले पड़ गई और कहने लगी कि लाला अब तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है। झूठ तो नहीं कहा उसने, बेसहारों को तुम्हारे सिवा और कौन सहारा दे सकता है। हाँ ये बात तो है, मगर मैं उसके साथ शादी कैसे कर लूं। क्या वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है? और क्या, निर्लज्ज कहेगी। कहने लगी मेरे बाप की अंतिम इच्छा भी यही थी, अभी तक बाप की चिता ठंडी नहीं हुई और बेटी को शादी की सोचने लगी। क्या बकरे हो लाला, एक निर्दोष लड़की पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर तुम्हारे दिल में है लाला, अपने चेहरे पर शराफत का झूठा पर्दा डालकर तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। तुम इंसान नहीं शैतान हो, शैतान। क्या कह रही हो शोभा? मैं सच कह रही हूँ, लाला की नीयत में खोट है और नजर में पाप। शोभा, लाला जैसे भले आदमी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ ये बात तो है, मगर शर्म आती तो ये बेशर्म डाकुओं के साथ रात भर मुंह काला करने के लिए क्यों जाती? एक अबला पर झूठा इल्जाम लगाते हुए भगवान से डरूं। गिरधारी काका, डाकू मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए थे, इसमें मेरा क्या दोष? मगर कौन जाने वो लोग तुम्हें उठा के ले गए थे या तुम खुद उनके साथ गई थी। शोभा, हम तुझे क्या समझते थे, तू क्या निकली? तू तो सारे गाँव के नाम पर वट्टा लगा दिया। हाँ ये बात तो है, मगर जरा सोचो तुम्हारे बहु बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अरे उन पर तो इस उल्टा की छाया तक पड़ना पाप है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना, आज से हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए बिल्कुल बंद हो गए। बिल्कुल नहीं। 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 मैं जानती हूँ ये तुम लोग नहीं बल्कि लाला की दौलत बोल रही है। सुना था जब गांव की लड़की अनाथ हो जाती है तो सारे गांव की बेटी बन जाती है, मगर तुम लोग ये जानते हुए भी कि मैं निर्दोष हूँ मुझे ठुकरा रहे हो। तुम जैसे अपने से तो वो पराए लोग ही अच्छे हैं जो बस वक्त काम आए। मुझे विश्वास है कि अब भी वही लोग मेरा हाथ थामेंगे, मुझे सहारा देंगे। मंगल, क्या ये सच है कि तुमने जिस लड़की की जान बचाई थी उस लड़की के लिए तुमने कबीले से गद्दारी की है? ये तुम क्या कह रहे हो? मंगल तुम्हारा बेटा है, तुम अपने ही खून पे शक कर रहे हो। क्या तुम्हारा खून कभी तुमसे गद्दारी करेगा? ये बात मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं। बोल मंगल, सच्चाई क्या है? बोल, कहीं तेरी ये खामोशी कबीले के शक को यकीन में न बदल दे। जवाब क्यों नहीं देता? तू कबीले का वफादार है या गद्दार? मंगल, ये वही छोकरी है सदा। मंगल, जानते हो डाकू मुझे उठा ले गए थे, मुझे एक शैतान के हाथ बेच दिए, लेकिन इससे पहले कि वो मेरी इज्जत पर हाथ डाले एक देवता वहां आ गया और मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन जब मैं घर लौटी तो मुझे पता चला कि मेरे गम ने बापू की जान ले ली है। मैंने गांव वालों को अपनी पवित्रता और बेगुनाह का विश्वास दिलाना चाहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे कलंक नहीं समझकर मुझसे आंखें फेर ली। मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मेरे पास क्या लेने आई हो तुम? मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं दे सकता। हम ठहरे खानाबदोश, आज यहां तो कल वहां, खुले आसमान के नीचे जहां डेरा लगा लिया वहीं कुछ दिन गुजार लिए।
डेरा उठ गया तो वहां से चल पड़े। जिंदगी भर चलना ही हमारी जिंदगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम चली जाओ यहां से। चली जाओ और क्या, तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है। मैंने तुम्हारी जान जरूर बचाई थी लेकिन इंसानियत के लिए, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बसा लूं। शायद भूल मेरी अपनी ही थी, मैंने हमदर्दी को प्यार समझ लिया। जब तुम्हें अपनी भूल का पता चल गया तो फिर खड़ी क्यों हो, जाती क्यों नहीं? मुझ पर सिर्फ मेरे कबीले का हक है। देखा शेरू, मैं कहती थी ना, हमारा खून कबीले से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इसकी गलती थी जो इसे मुझे गद्दार समझा। गलती हर इंसान से होती है सरदार। तुम्हें मंगल की कसम, इसे माफ कर दो। बच्चे, आज जिंदगी में पहली दफा तूने हमसे कुछ मांगा है। कबीले वालों, यहां की हवा हमें रास नहीं आई, कूच की तैयारी करो।
शायद भूल मेरी अपनी ही थी, मैंने हमदर्दी को प्यार समझ लिया। जब तुम्हें अपनी भूल का पता चल गया तो फिर चाहती क्यों नहीं? कौन है? मैं मंगल हूं शोभा। चले जाइए यहां से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। शोभा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तुम यहां से चले जाओ। क्यों आए हो यहां? तुमसे माफी मांगने के लिए। कसूर तो मेरा था जो मैंने तुम्हारी बातों में आकर तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना समझा। शोभा मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इसी में हम दोनों की बेहतरी है। तुम जैसा झूठा फरेबी और धोखेबाज इसके सिवा क्या भी कह सकता है? मुझ पर विश्वास करो शोभा। विश्वास? विश्वास तो किया था, इसलिए तो सारे गांव से नाता तोड़कर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने सारे कबीले के सामने मुझे ठुकरा दिया, मेरा अपमान किया। उस वक्त मैं मजबूर था शोभा, हम खाना बदोशों के कुछ उसूल और कानून होते हैं जिन्हें तोड़ने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता तो मेरी तो जान जाती ही, लेकिन साथ साथ वो लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ते। जान जाने से मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी तुम्हारे झूठ बोलने से हुई। कोई सच्चाई ऐसी होती है जिसके लिए इंसान को कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। शोभा, जिस दिन हम यहां से कूच कर रहे थे दिल ने चाहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन यह सोचकर आगे बढ़ गया कि मुश्किल से बनाई हुई बात फिर से बिगड़ जाती। तो फिर अब क्यों आए हो यहां? तुम्हें यह बताने के लिए कि मंगल अपनी जान दे सकता है लेकिन तुमसे धोखा नहीं कर सकता। हाँ शोभा, अगर मैं चाहूं इन्हें छोड़कर आज भी तुम्हारी प्यार की दुनिया बसा सकता हूं, लेकिन इस अंधेरे में भटकने वाले मंगल को जो प्यार की रोशनी तुमने दिखाई है, मैं चाहता हूं कि इसकी किरणें सारे कबीले में बिखेर दूं। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? मंगल। शोभा, शुभा। अरे रुको, किधर जा रही हो? जाओ मरो। जाओ। बिजली बिजली लाला, छोड़ मुझे। क्या करता है? छोड़। मेरी अनारकली, तुम्हें छोड़ना होता तो पकड़ता क्यों, अपनी बाहों में जकड़ता क्यों? लाला तू पागल हो गया है क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मेरी अनारकली, जब से तुमने गांव छोड़ा है मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना सब हराम हो गया है। देख लेना। क्या? अरे उधर रही, इधर देख। हाँ, देख तो रहा हूँ लाला। हाँ? रात गई बात गई। हाँ? अब तू मुझे भूल जा, समझा?
अरे अरे मेरी फूल जड़ी, ये तू क्या कह रही है? तू कहे तो आग में जल जाऊं, नदी में कूद जाऊं, कुएं में डूब जाऊं, लेकिन तुझे भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। बस अब तो तू जहां जहां मैं वहां वहां, तू जहां जहां मैं वहां वहां। ये कैसे हो सकता है लाला? क्यों, मैं ठहरी कुंवारी, तू ठहरा बाल बच्चों वाला। बिजली, न मुझे बाल चाहिए न बच्चे, ये सब बंधन है कच्चे। मैं सब बंधन तोड़ दूंगा, लालायन को विधवा कर दूंगा। मेरा मतलब है उसे तलाक दे दूंगा, ठीक है ना? अरे दैया रे दैया, तेरे पांच बच्चों का क्या होगा? पांच बच्चों का उन्हें अनाथ आश्रम भेज दूंगा। कितने? मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी बिजली, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बस तू मेरे साथ शादी कर ले। यही तो मुश्किल है लाला। क्यों मुश्किल है मेरी बाला? मैं मकान तेरे नाम कर दूंगा, दुकान तेरे नाम कर दूंगा, अपनी आन बान शान तेरे लिए नीलाम कर दूंगा। बस दंडा मेरी बिजली। लाला, फिर भी मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। क्यों बिजली, क्यों? क्योंकि मैं मंगल से प्यार करती हूँ। मंगल? वो सांड वाला मंगल? वो ढोंगी कपटी मंगल? ए लाला, मुझ संभाल के बात कर, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूं। मेरी बात का विश्वास कर बिजली, वो तुझसे नहीं शोभा से प्यार करता है। क्या बकता है लाला, वो काली मिट्टी तो कब की उसकी जिंदगी से निकल गई? नहीं बिजली नहीं, वो दोनों अब भी एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप कंगन को आरसी क्या? चल मेरे साथ और अपनी आंखों से देख ले, चल। मैं तुझे से मिलने आई हूं। क्यों? तेरी भलाई के लिए। क्या मतलब? तू औरत है ना, इसलिए मुझे तुझसे हमदर्दी है। साफ साफ बता, तुम कहना क्या चाहती हो? मंगल से तू मिलना जुलना छोड़ दे। मगर वो मुझसे प्यार करता है। प्यार नहीं, प्यार का नाटक करता है। क्या बकती है? मंगल ही वो आदमी है जो तुझे तेरे घर से उठा कर ले गया था। क्या? और उसी ने दिलदार सेठ के साथ तेरा सौदा किया था। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल सच है। ये देख। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। एक बात और सुन ले, मंगल अपना कबीला छोड़कर तेरे पास कभी नहीं आ सकता। उसकी शादी होगी तो सिर्फ कबीले की किसी लड़की के साथ। अच्छी खबर लेके आया हूं, सुन के उछल पड़ोगे। क्या खबर है शैतान? कल 12 बजे की गाड़ी से लाखों का व्यापारी खजाना इस कस्बे से गुजरने वाला है। अगर आप चाहें तो ये खजाना हमारे हाथ लग सकता है। शैतान, खबर तो तुम बहुत अच्छी लाया। अब मैं उस शरीफ सादिक मंगल से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता हूं। वो कैसे उस्ताद? सरदार को तो किसी ना किसी तरह मैं खजाना लूटने के लिए तैयार कर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि उस काम में मंगल हमारा साथ नहीं देगा। यानी वो कबीले से गद्दारी करेगा? बिल्कुल, और इस बार उसके गद्दारी सारा कबीला अपनी आंखों से देखेगा। नहीं दुर्जन, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। खतरों से खेलना ही तो हमारी जिंदगी है सरदार। सवाल हमारी नहीं, उन मुसाफिरों की जिंदगी का है जो इस गाड़ी में होंगे। एक खजाने के लिए हम तुम्हें सैकड़ों इंसानों की जान लेने की इजाजत नहीं दे सकते। आप इत्मीनान रखिए सरदार, मुसाफिरों पर कोई आंच नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? बारूद के धमाके से सारी गाड़ी उड़ जाएगी। लेकिन हमारा मकसद गाड़ी को उड़ाना नहीं, सिर्फ रोकना है। ये देखिए, बारूद हम यहां लगाएंगे। यहां से 300-400 गज के फासले पर जब गाड़ी पहुंचेगी, हम बारूद उड़ा देंगे और गाड़ी के रुकते ही हम अपना काम कर देंगे। ठीक है, लेकिन देखो काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो पुलिस हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी सरदार, हमारा निशाना सिर्फ खजाना है, गाड़ी या मुसाफिर नहीं।
पंतूर कहाँ? वो आगे तीसरे मोड़ पर साथियों के साथ मिलेगा। और मंगल? मंगल उसको मैंने डेरे से निकलकर गांव की ओर जाते हुए देखा है। शुभा, शुभा तुम फौरन स्टेशन चली जाओ और वहां खबर कर दो कि सोने का खजाना लूटने के लिए डाकू ने आज गाड़ी को बारूद से उड़ा देने का फैसला किया है। कौन से डाकू? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है शुभा। जरूरी है, इसलिए तो पूछ रही हूं। कहीं खजाना लूटने वाला डाकू। ये तो नहीं शुभा, ये तो नहीं, ये तो नहीं। चुप क्यों हो? जवाब दो। मुझे बिजली ने सब कुछ बता दिया। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, मगर पुलिस स्टेशन जाऊंगी ताकि तुम्हारे असलियत का भांडा फोड़ सकूं। शुभा मैं कहता हूं रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती छोड़ दो, मैं कहती हूं। मुझे माफ करना शुभा, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम ठीक समय पर आ गए मंगल, गाड़ी आने में बहुत कम वक्त रह गया, जल्दी चलो। मैं तुमसे फिर एक बार कहता हूं, चलो वापस चले। दुर्जन जिस काम का बीड़ा उठा लेता है उसे पूरा करके छोड़ता है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं, इस खतरनाक काम से सैकड़ों मासूम लोगों की जाने जा सकती। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, मैं तो अब खजाना लेकर ही वापस जाऊंगा। बारूद लाए हो? जी हां। ये देखिए शैतान सिंह, ये लो जरा होशियारी से। साथियों चलो। मंगल कहां है? अभी पता चल जाएगा। मूरख को तो रेलगाड़ी खत्म कर देगी, वो अपनी बंदूक की कीमती गोली क्यों जाया करता है बे? अरे क्यों विसल बजा रहे हो, क्या बात है? अरे कोई गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है, फिर विसल हो जाओ। बेवकूफ गधे, वो अकेला नहीं, वो गाड़ी रोकेगा, जंगल में छिपे हुए साथी इस गाड़ी पर हमला कर देंगे। अरे प्याज को खतरा तो नहीं? अरे ये भी कोई चाल है व्यापारी खजाना लूटने की। तुम विसल बजाओ, मैं स्पीड बढ़ाता हूं।
गाड़ी रोक दो, आगे खतरा है। देख लिया फंतूर, मंगल कबीले का वफादार है या गद्दार? ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये सच है सरदार, मंगल ने हमें धोखा दिया और उसी का कारण आज हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मंगल ही था? हाँ सरदार। मैं छुआ हमें, पूरा जाओ मेरी नजरों से। मंगल ये तुमने क्या किया, जो तुमने क्या किया मंगल? तुम पकड़ी, आज तुम्हारे बेटे ने कबीले से नहीं हमसे गद्दारी की है, हमसे। हुक्म सरदार अजू, हर कबीले में ऐलान कर दो तो मंगल जहां कहीं भी हो उसे पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। मंगल, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गाड़ी को बारूद से उड़ाया जाने वाला है? जी मैं अपने घोड़े पर वहां से गुजर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग रेल की पटरियों पे बारूद बिछा रहे थे। तुम उन आदमी को जानते हो? जी नहीं। उन्हें देखकर पहचान सकते हो? जी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अपने चेहरे पे निकाब डाले हुए थे। हाँ, फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने गाड़ी की तरफ घोड़ा दौड़ाया और गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद ड्राइवर ने मुझे गलत समझा, उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। फिर भगवान ने मेरी मदद की और मैं बारूद फटने से पहले गाड़ी रोकने में कामयाब हो गया। तुमने बहुत बड़ा काम किया मंगल, अपनी जान को खतरे में डालकर ना सिर्फ तुमने सोने का लाखों रुपए का खजाना लूटने से बचा लिया बल्कि अनगिनत मुसाफिरों की जान बचाई है। मैं सरकार से तुम्हारी सिफारिश करूंगा और तुम्हें इस बहादुरी का नाम दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया किसी लालच में नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर किया। अब मैं जा सकता हूं। जरूर, अगर इस मामले में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा। मंगल, मंगल मुझे माफ कर दो, लोगों की बातों में आकर मैंने तुम पर शक किया, अब गांव वाले से मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। मैं वादा करती हूं अब ऐसे कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। Thank you.
एनी न्यूज मिस्टर खन्ना? नो सर। 15 दिन हो गए हैं, ट्रेन को लूटने की कोशिश करने वालों का कोई पता नहीं चला। बड़े अफसोस की बात है। आपके कहने के मुताबिक हमने अपने कुछ आदमी कबीले में भेज दिए और कुछ लोगों को खबरी बनाने की भी कोशिश की, मगर कोई तैयार नहीं हुआ। बादव है, मंगल की कोई खबर मिली? जी हाँ, पिछले 15 दिन से मंगल कबीले में नहीं गया है और कबीले वाले खास करके दुर्जन के कुछ आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। क्यों शैतान सही, आज फिर खाली हाथ? सरदार, हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा है लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या हुआ उसे? जमीन निकल गई है, वो हवा में घुल गया। कुछ समझ में नहीं आता सरदार, वो कहाँ गायब हो गया? बको मत, जिंदगी में हर काम सिर्फ हाथ पैर हिलाने से नहीं होता, कभी कभी इंसान को अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या मतलब सरदार? तुम नहीं समझोगे, अब मंगल को यहां लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मंगल, काली मिट्टी, देख तुझसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तू हमें सिर्फ इतना बता दे मंगल कहां है, हम तुझे अब भी छोड़ सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। तू सब कुछ जानती है और तुझे ये बताना ही पड़ेगा मंगल कहां है, बता। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती, और अगर जानती भी तो तुम्हें कभी ना बताती। नहीं बताएगी? नहीं नहीं बताएगी। नहीं बताऊंगी। मैं आखिरी बार पूछता हूं, तिप्पी बता मंगल कहां है? मुझे कुछ दे मालूम। मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो यार को बचाने की कोशिश कर, मगर याद रख जब भी उस कुत्ते को मालूम पड़ेगा कि तू हमारे कब्जे में, वो अपने आप तुम ही जाता हुआ यहां पहुंच जाएगा, फिर उस गद्दार की गर्दन होगी और मेरी तलवार। सारा कबीला मंगल के खून का प्यासा है, यही मौका अच्छा है, कड़वे करेले को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। बिजली, 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 जो क्यों कह रहे, ये तो धरती है, अगर तू पाताल में भी होता ना तो तुझे ढूंढ लेती कड़वे करेले। मगर बिजली, इतनी रात गए तू यहां क्या कर रही है? यही सोच कर आई थी कि तुझे साथ लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, तू जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जा कड़वे करेले, भाग जा। बिजली, भागते वो है जो बुजदिल होते हैं या मुजरिम, मैं क्यों भागू? ये वक्त बहस करने का नहीं है, अगर कबीले वालों ने तुझे देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बिजली, मैं अपनी जान बचाने के लिए शोभा की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, जो भी फैसला होगा उसके आने के बाद ही होगा। मगर वो अब यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कहाँ है वो? दुर्जन की कैद में। जलील कमीना, जब मुझ पे जोर नहीं चल सका तो एक मासूम लड़की को अपने कब्जे में कर लिया। करेले जा, जा, भगवान तेरी मदद करे। नहीं बिजली, मैं तुझे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, मेरा सफर तो खत्म हो गया, देख मैं कितनी नसीबों वाली हूँ, जीते जी तो तेरी बाहों में मैं चलने के लिए तड़पती रही, मगर मौत आई तो तेरी बाहों पे। बिजली, बिजली, करेले, तेरी आंखों में आंसू, नहीं, नहीं, काली मिट्टी से कहना, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बिजली, किशोर किस बात का है? सरदार अजूर, मंगल, मंगल गिरफ्तार हो गया। अभी लो, हेलो,
आज इस कबीले की जिंदगी में पहली बार एक बाप और एक बेटा एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बेटा मुजरिम है और बाप सरदार, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे सरदार इंसाफ के इस तख्त पर एक बाप की हैसियत से नहीं एक सरदार की हैसियत से बैठे हैं, और सरदार वही होता है जो अपनी औलाद का खून होते तो देख सकता है लेकिन इंसाफ का खून होते नहीं देख सकता, और आज ये बात हमारे सरदार साबित कर देंगे। मंगल, तुम पर इल्जाम लगाया गया है कि तुमने अपने कबीले के साथ गद्दारी की है, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आज मुझे अपने कबीले के सामने अपना सर झुकाना पड़े। तुम पर इल्जाम है कि तुमने उस लड़की को दिलदार सेठ से छुड़ा लिया जिसे उन तक पहुंचाने की कीमत हमें मिल चुकी थी। तुम पर इल्जाम है कि तुमने कबीले के खिलाफ सरकारी आदमियों की मदद की और लाखों का खजाना हमारे हाथ आते आते रह गया। तुम पर इल्जाम है कि तुमने कबीले की लड़की को ठुकरा कर एक ऐसी लड़की के साथ मोहब्बत की जिसका के कबीले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम कबूल करते हो कि ये सब इल्जाम सही है? मैंने जो कुछ भी किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया और अपना फर्ज समझकर किया। मंगल, हम सिर्फ इतना सुनना चाहते हैं कि तुमने कबीले के साथ गद्दारी की है या नहीं। अगर एक मासूम लड़की को किसी की हवस का शिकार होने से बचाना गद्दारी है तो मैं गद्दार हूं। अगर एक खजाने को ठुकरा कर हजारों माओं की ममता और सुहागनों के सुहाग की रक्षा करना गद्दारी है तो मैं गद्दार हूं। अगर शादी के पवित्र बंधन में बनने के लिए किसी लड़की से मोहब्बत करना गद्दारी है तो मैं गद्दार हूं। बल्कि मैं तो यही कहूंगा, अगर तुम में से किसी पे भी ऐसा वक्त आ जाए तो तुम सब गद्दार बन सकते हो। चंचल बहन, अगर कोई लोभी रुपयों की लालच के लिए तुम्हारा ये मासूम बच्चा तुमसे अलग कर दे तो तुम क्या करोगी? पैरों काका, अगर कोई वैश्य किसी शैतान से तुम्हारी जवान बेटी की इज्जत का सौदा करे और उस बेटी को यहां से जबरदस्ती उठा ले जाए तो तुम क्या करोगे? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते? मैं पूछता हूं, तुम लोग चुप क्यों हो गए? मंगल, तुम इन फजूल बातों से कबीले को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। नहीं दुर्जन, मैं भटके हुए कबीले को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कबीले पर मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा। कल तक मैं भी इस कबीले का साथ देता रहा लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि कानून को अपने हाथ में लेकर हम आज तक गलत रास्ते पर चलते रहे। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ हमारी देश की सरकार को है और वही एक सच्चा कानून है, क्योंकि वो किसी एक कबीले के लिए नहीं, एक मुजरिम के लिए नहीं, बल्कि सारे देश के लिए है। हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन कब मिलेगा? मुजरिम पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब उसने मान लिया है, तो फिर फैसला करने में देर किस बात की? कहीं इसलिए तो नहीं कि मुजरिम तुम्हारा अपना बेटा है? दुर्जन, हमें अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हमारा इंसाफ रिश्ते नाते नहीं देखता, हमारे इंसाफ के तराजू में सिर्फ सच्चाई तुलती है। सच्चाई यह है कि मंगल ने कबीले के साथ गद्दारी की है। मंगल, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हमारा अपना बेटा मुजरिम बनकर हमारे सामने खड़ा होगा, पर हमें उसका फैसला करना पड़ेगा। कबीले के कानून के मुताबिक हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। बाबा, तुम पगले, हमसे कोई सवाल ऐसा नहीं पूछना जिसका जवाब हम तुम्हें नहीं दे सके। तुम सरदार हो बाबा, तुम्हारी बाहों की तरह तुम्हारा दिल भी फौलाद का बना हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ एक औरत हूं बबर, डरती हूं इतने बड़े तूफान में कहीं तिनके की तरह बह न जाऊं। तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं
नहीं नहीं सासु नहीं बाबा, एक पुतनसी माँ का खून है जो आज पानी बन गया। तुम कबीले की सरदार नहीं हो, तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं शेरनी का दिल होना चाहिए। शेरनी, जानते हो शेरनी के बच्चों पर जब मुसीबत आती है ना तो वो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है, और मैं अपने बच्चे के लिए उफ तक नहीं कर सकती। उफ, अभी तो हम अपने हाथों से अपने गद्दार बेटे की गर्दन उड़ाएंगे। लाओ हमारी तलवार। नहीं नहीं बाबर, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा सुहाग मेरी ममता पर तलवार उठाए। अब्बा गले। नहीं बाबर, ऐसा करने से पहले तुम मेरा गला घोट डालो, मुझे मार डालो। मैं अपनी आंखों से अपने बेटे की मौत का तमाशा नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती बबर। ये तमाशा तुम्हें देखना पड़ेगा चंपा कली। तुम सिर्फ मंगल की माँ नहीं, तारे कबीले की माँ हो। मंगल की माँ बुजदिल हो सकती है, कबीले की माँ नहीं। और हमारी बीवी होने की हैसियत से तुम्हें अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। ना हमारी तलवार। कांपने क्यों लगे? हमें उसी तरह विदा करो जैसे जंग में जाने वाले सूरमा को विदा किया जाता है। फैसला किया है कि तुम्हें अपने हाथों से सजा दें ताकि तुम्हारे खून से उस कलंक को धो सके जो तुम्हारी वजह से हमारे माथे पे लगा है। एक बेटे का इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है बाबा, जो मरते मरते भी अपने बाप के काम आ सके। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो हमें बता दो। मैं मरने से नहीं डरता बाबा, लेकिन एक चूहे की तरह नहीं शेर की तरह मरना चाहता हूं। क्या मतलब? मैं मरने से पहले वो गलत इल्जाम को मिटा देना चाहता हूं जो मुझ पर लगा है। अंतूर, शेर को खोल दो। मंगल, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मंजूर है। कबीले के सदियों पुराने कानून के मुताबिक तुम्हें हमसे लड़ना होगा। ये जंगल का कानून है बाबा, और मैं इस कानून को नहीं मानता। मैं लड़ूंगा जरूर, लेकिन आपसे नहीं, दुर्जन से, जिसके कारण आज मुझे गद्दार ठहराया गया है। मुझे अफसोस है मंगल, मैं तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। लड़ना तो तुम्हें अपने ही बाप से पड़ेगा। तुम शायद वो दिन भूल गए हो कि जब तुम्हारे ही कारण मेरे बाप को गद्दार ठहराया गया था, और जब उसने अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहा तो तुम ही ने कहा था कि कबीले वालों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें अपने ही खून से लड़ना पड़ेगा, याद है? तो फिर आज तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? दुर्जन ठीक कहता है मंगल, तुम्हें हमसे ही लड़ना होगा। लड़ाई से पहले मैं तुम दोनों को याद दिला देना चाहता हूं, कबीले के कानून के मुताबिक यह रुमाल जिसके मुंह से छूटेगा उसे भाले भोंक भोंक कर मार दिया जाएगा। उठा रुमाल।
इन जानवरों को इंसान बनाने के लिए। अगर आज मुझे अपने खून से होली खेलनी पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आज इस खेल में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरी कुर्बानी तुम लोगों को जिंदगी का एक नया रास्ता दिखाएगी। और अगर आज मैं इस खेल में जीत जाऊं तो आज के बाद फिर कभी इस कबीले में खून की होली नहीं खेली जाएगी। हेलो सब इंस्पेक्टर खन्ना है, प्लीज होल्ड ऑन, आपके लिए। इंस्पेक्टर आ जाइए। हैं? अच्छा हाँ, फौरन भेजता हूं। संभल गांव के हवलदार को उसके इलाके से एक लड़की की लाश मिली। उसकी शक्ल सूरत और पहनावे से लगता है कि वो खाना बदोश लड़की है। आप खुद जाइए और तहकीकात कीजिए। यस सर। मुझे दाल में काला नजर आता है। क्या बात है 303? आज अचानक मंगल कबीले में पहुंचा और कबीले वालों से पकड़ रखा है। वहां बहुत हंगामा मचा हुआ है। गड़बड़ देखकर मैं आप लोगों को खबर देने भाग कर आया हूं। और दूसरी बात यह है कि संभल गांव की लड़की शोभा को उन्होंने बांध रखा है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या खड़ी होगी। इंस्पेक्टर लामा से कहो अपने आदमी तैयार रखे। ओके सर। आप भी संभल गांव से पुलिस पार्टी भेजिए, मैं सीधा कबीले पहुंचता हूं। चाकू किसने मारा? कांस्टेबल्स ले चलो उसे। तुम भी। दुर्जन को मैंने उसके पिता के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया है। तुम लोगों को भी चोरी डकैती और जवान जिस्मों के व्यापार के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। हम तैयार हैं इंस्पेक्टर साहब। आज मंगल ने मेरी और कबीले की आंखें खोल दी।
देश का कानून जो भी सजा देगा हम भुगतने को तैयार है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद आपको हम लोगों से कोई शिकायत नहीं होगी। अब इस कबीले की जगह एक नया गांव होगा और हम अच्छे इंसानों की तरह मेहनत और मजदूरी की जिंदगी बसर करेंगे। कबीले वालों, अपने अपने हथियार इंस्पेक्टर साहब के सुपुर्द कर दो। शुभा, शुभा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बुड्ढे, तू अगर हुक्का पिएगा तो तेरा बाप काम करेगा। खुदा की कसम आज पैसे वसूल कोई माने या न माने मेरे दिल की महबूबा ने मेरा तोहफा किया कबूल।